जन्म जन्म का साथ है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब अपना अपना हाल चाल बताइएगा, कैसे हैं? तो ये है करवा चौथ का सेकंड पार्ट जो मैं आज डाल रही हूँ। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन फिर भी आप सबको दिखाना तो है ही मुझे। और करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि हर औरत इस त्यौहार का बहुत बेसब्री से वेट करती है। ये त्यौहार हर औरत के जीवन में बहुत ही खुशियाँ लेकर आता है। हर लड़की यही समझती है कि कब करवा चौथ का त्यौहार आएगा, कब हम 16 श्रृंगार करेंगे। देखो, श्रृंगार हम लोग हर रोज़ करते हैं, लेकिन जो श्रृंगार हम लोग करवा चौथ वाले दिन करते हैं, वैसा श्रृंगार हम पूरे साल नहीं करते हैं। अपने अपने हस्बैंड्स के लिए भूखा रहना, प्यासे रहना, ये एक अंदर से अलग ही फीलिंग्स होती है। जैसे हम हर त्यौहार का वेट करते हैं, तो इस मुझे ना सबसे ज़्यादा इस त्यौहार का वेट रहता है कि कब करवा चौथ आएगा। और बहुत सारे हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं रखते हैं भाई। और तो यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट हो रहा है, और मैंने ये ही दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं पूरा खुल के फ़ोटोज़ वगैरह लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। ऐसे तो मुझे इतना शौक़ नहीं है फ़ोटो वगैरह लेने का। मैं यूट्यूब पर आने से पहले एक भी फ़ोटो नहीं लेती थी। मतलब ये था कि मैं इतना मतलब शर्मीली लड़की थी, ये कह सकते हैं कि मैं फ़ोटो के सामने आती ही नहीं थी। कोई मुझसे ये भी कहता था ना शादी में भी कि थोड़ी सी वीडियो बनवा लो, एक फ़ोटो ले लो, तो मुझे मैं बिल्कुल नहीं आती थी सामने। सिर्फ एक आध फ़ोटो मुश्किल से होती थी मेरी एल्बम में। लेकिन अब क्या है कि मुझे इतना शौक़ हो गया है, तो इस त्यौहार के दिन तो मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और लगभग सबके साथ ही हो जाती हैं, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी लेकर आता है। भगवान करे हर किसी औरत के जीवन में ये त्यौहार आता रहे। तो यहाँ पर हो रही है बायना मिनसने की तैयारी। मैंने सब सामान रख लिया है, सूट जोड़ा और पैसे वगैरह जो भी रखे जाते हैं तो वो रख लिए हैं। उसके बाद हम लोग 3 बार इसको मिनसेंगे, यानी कि जो करवा है उसमें से पानी ले लेकर 3 बार हम लोग इसको मिनसेंगे। और उसके बाद ये करवा जो है मैं मम्मी के हाथ में दे दूँगी, क्योंकि माँ से सास के यहाँ तो हम थोड़ा लेट जाएंगे। यहाँ पर कर रही है सोनिया अपना जो करवा है वो मिनसने की तैयारी। और यहाँ पर ये सोनिया ने करवा मिनस दिया है और ये दे देगी मेरे हाथ में। मतलब सोनिया करवा मुझे देती है और मेरा करवा जो है मासी सास के पास जाता है। तो मैंने अपना करवा मिनस के रख दिया है, मम्मी के हाथ में दे दिया था, और फिर ले जाकर मैं मासी सास को दे दूँगी। और ये जो मेहरून कलर की चुन्नी मैंने ओढ़ी हुई है, ये मेरी बरी की चुन्नी है। मतलब हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो चुंदरी ली जाती है सर पे, यानी कि डबल चुन्नी लेते हैं, दोसरडा बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, करवा चौथ वाले दिन दोसरडा लेकर ही बैठते हैं, यानी कि 2 चुन्नियाँ लेकर ही बैठते हैं। तो ये चुन्नी मेरी बरी की है, और सोनिया की भी ये चुन्नी जो है बरी की है। और या तो हम लोग लहंगे की चुन्नी ओढ़ते हैं, जिस लहंगे में हमने फेरे लिए होते हैं, या फिर हमारी जो बरी में गई हुई होती है, बरी मतलब शादी में दी जाती है, शादी के टाइम पे जो दुल्हन के कपड़े दिए जाते हैं बरी, उसको बरी बोलते हैं। तो उसमें ये मेरी चुन्नी गई थी मेरी ससुराल की साइड से। और मेरा जो लहंगा होता है, कुछ लोग जो है अपना शादी का लहंगा ही डालते हैं, तो या फिर उसकी चुन्नी ले लेते हैं। तो मैं लगभग यही चुन्नी लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत हल्की सी है। तो फिर ये लगा लिए। तो ये देख कुक, ये है कुक, यस आई एम अ कुक। लो
चलिए अभी के लिए बाय बाय। होती तो फॉर्मेलिटीज है, ओनली फॉर्मेलिटीज। राइट, तो चलिए अभी चलते हैं। तो आप लोग सोचोगे कि ये क्या हो रहा था, तो ये है वो थाली जो सोनिया ने मुझे दी थी, यानी कि करवा दिया था। जिस थाली में चावल होते हैं ना, वो थाली जिसको दी जाती है तो वो उसको भर के देता है। मतलब कि फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, इसमें पैसे रखे जाते हैं, परांदा रखा जाता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मतलब जो भी अपनी इच्छा हो, चूड़ियाँ वगैरह, तो वो रख देते हैं। तो ये थाली वापस हम लोग इसी दिन ही दे देते हैं, साथ के साथ ही, नहीं फिर दिन या वार कोई मतलब अच्छा ना हो तो हम लोग वापस थाली नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और जो है साथ के साथ ही वो सब करवा देती हैं। तो ये हो रही है सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि मासी सास के यहाँ जाने का प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया है, यानी कि थोड़ी देर बाद जाएंगे, इनको कुछ काम आ गया था तो ये वो काम करने चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक हम लोग सब्जी बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी, और दूसरी बनाई थी मैंने कढ़ी, मतलब दो सब्जियाँ बनाई थी। वैसे तो हमारे यहाँ मतलब लगभग हमारे यहाँ कढ़ी तो बनती ही बनती है करवा चौथ वाले दिन, या फिर अगर कढ़ी ना बनाए तो लस्सी मतलब दही चावल वगैरह बन जाते हैं। तो मैंने छोले बना लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं अब मासी सास के यहाँ। हमारी हो गई है जाने की तैयारी। तो सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, मैं, चेरी, मम्मी और सोनिया, और ये आशु हमें लेकर जा रहा है। तो लीजिए हम लोग आ चुके हैं मासी सास के यहाँ बाइना देने के लिए। अभी थोड़ी बहुत देर में शायद निकल जाएगा, 8:30, 8:45 का टाइम हो चुका है। देखा नहीं है किसी ने अभी तक, बस काम में लगे हुए थे। तो थाली वगैरह तैयार हो चुकी है, अभी जाके देखेंगे चाँद निकल गया है या नहीं निकल गया है। और इतने वेट के बाद चाँद निकलता है, और पानी के बिना ये है कि मतलब भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सर में दर्द हो जाता है, बस उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब की बार अभी तक ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वरना हर बार तो मुझे गालियाँ मिलती हैं। अब की बार देखते हैं चाँद निकलने तक क्या होता है क्योंकि हर बार मुझे ना उल्टी लगती है, इस टाइम तक मेरा मन ख़राब हो जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये मुझे बहुत सुनाते हैं कि तुम ऐसे व्रत क्यों रखती हो, कि तो हल्का फुल्का कुछ खा लेना चाहिए, मतलब फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी, लेकिन हम लोग नहीं लेते अभी तो। अभी वेट कर रहे हैं चांद का, और आप लोग भी वेट कर रहे होंगे शायद, जब निकल जाएगा तो मिलते हैं फिर। ओके, निकल गया चांद, अब चलते हैं अपने मिशन पे, करते हैं पूजा वगैरह। हेलो, ये बोलो चांद निकल गया, चांद या निकल आ गया, और निकल आ गया निकलता। अच्छा, चांद पता कहाँ गया? ऊपर चांद आ गया, ऊपर चांद आ गया। हाँ। चलो फिर पूजा करें चांद की। हाँ। ठीक है, तो चांद निकल चुका है, और यहाँ पर बना रही हैं मम्मी जो चांद है उनके ही वो मूर्ति वो बनाई जाती है गोबर लीप कर आटे से। और यहाँ पर ये देखिए कुत्ते महाराज भी, यानी कि हमारे शेरू महाराज भी आ चुके हैं पूजा करने के लिए। ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं ही पूजा करूँ। तो बस यहाँ पर हो चुके, मम्मी ने बना दिया था आटे से जो मतलब चांद बनाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद की जाती है ये करवा रख के पूजा, हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो करवे को हम लोग घुमाते रहेंगे और थोड़ा सा कुछ गाना गाते रहेंगे, तो बस उसके बाद हम लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जल छोड़ते रहेंगे, ऐसा हम लोग 7 बार करते हैं। और बस उसके बाद फिर हम लोग अर्घ दे देंगे, यानी कि चंद्रमा को जल दे देंगे, और जो चावल हमने चुन्नी में बांधे थे उनको भी इस टाइम हम लोग खोल के हाथ में ले लेते हैं और मत्था टेकते हैं, मतलब यह इसी टाइम पर उनका यूज़ होता है। सीमणि सीमणि पता
तो बस यहाँ पर हो चुकी है चांद की पूजा की तैयारी, और ऊपर वाले चांद की भी और अपने चांद की भी। तो बस हम दोनों यही काम करेंगे, पहले सोनिया कर रही है और उसके बाद मैं अपनी पूजा पूर्ण कर लूँगी। यहाँ पर हम सब लोग बैठ चुके हैं खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है और उसके बाद सब लोगों को खाना खिलाने के बाद हम लोग भी खाना खा लेंगे। पहले बच्चे बैठ गए हैं, ये दोनों भाई बैठ गए हैं और मम्मी बैठ गई है, तो बस इनको खाना देने के बाद मैं और सोनिया भी खा लेंगे। और इस तरह से खाना हमारे घर में डेली तो नहीं होता है, बस तीज त्यौहार पर कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो मतलब इस तरह से खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल लगता है कि पूरा पूरी फैमिली जो है एक साथ बैठकर खाना वगैरह खा रही है। थोड़ा इससे ना रिलेशन और भी अच्छे होते हैं, अगर हम लोग एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, बातें होती हैं, प्यार मतलब ये होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पूरी फैमिली जो एक साथ मिलकर बैठती है, अच्छा लगता है और मन भी खुश होता है जब त्यौहार के दिन इस तरह से कुछ हम लोग गेट टुगेदर यानी कि थोड़ा सा फंक्शन सा हो जाता है ये एक तरीके से। तो बस हम सब लोग भी इसी तरह से बैठ के खाना खा लेंगे। और हाँ, एक बात आप सबको बोलना भूल ही गई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। हो चुके हैं अभी, नाइट मेकअप वगैरह नहीं उतारा है और मैंने ना ये वाली पहने थे आज। कैसे लग रहे हैं आप सबको? मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं ये, जब मैं लेकर आई थी तब दिखाए थे। तो कैसे लगे ये? और 11:15 का टाइम हो गया है, अभी सोने की तैयारी है, बस जाऊंगी अभी थोड़ी देर में और सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ। और ये वाला टीका लगाया था, ये शिवी ने बताया जैसे मांग टीका। तो चलिए अभी इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये सब ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप सबका करवा चौथ कैसा गया। और मेरा तो बहुत अच्छा गया, बहुत मतलब अच्छा रहा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पानी वगैरह नहीं पिया, जैसे हम लोग नहीं पीते हैं, ना पानी पीते हैं ना चाय पीते हैं, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत भी मुँह में नहीं लेते हैं, बस सरगई खाते हैं सुबह के टाइम में।
और उसके बाद कुछ भी नहीं लेते हैं, तो बस सीधा व्रत ही खोलते हैं। वैसे तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है हमारे यहाँ कि हमें पानी नहीं पीना है या कुछ खाना पीना नहीं है। फ्रूट्स वगैरह, चाय वगैरह सब पी सकते हैं जिनको पीना है, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं। तो अब की बार का करवा चौथ मेरा ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे और इनकी डांट से भी बच गई। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बोल दो बेटी। बाय बाय। बाय बाय।